स्टूडेंट, जो हम एक्सपेरिमेंट नंबर 9 करने जा रहे हैं, क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स से है। टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द करंट पासिंग थ्रू टंगस्टन फिलामेंट लैंप एंड अ पोटेंशियल अक्रॉस इट। इसमें जो अपरेटस हमें चाहिए, अपरेटस में एक रियोस्टेट चाहिए, बैटरी है, की इसी तरह लैंप है, लैंप के पैरेलल जो है वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसी तरह एम मीटर जो है, फिर इसी तरह ये सारा जो सर्किट है ये सीरीज़ में लगा हुआ है, और जस्ट ये वोल्ट मीटर जो है वो लैंप के पैरेलल अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ भी है इसका, तो 12 वोल्ट की हमें बैटरी चाहिए, फिर उसके बाद एम मीटर रियोस्टेट चाहिए, और एक कार बल्ब चाहिए, ठीक है, 36 वाट का हो या 12 वोल्ट उसकी पोटेंशियल डिफरेंस होनी चाहिए, वोल्टेज होनी चाहिए, और एक की चाहिए, और हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर चाहिए, ठीक है। तो 12 वोल्ट जो है, मैं अभी आपको ऑपरेटर्स दिखाता हूँ। स्टूडेंट, ये मैंने पहले ही से ऑपरेटर सेट किया हुआ है। ये जो है बैटरी है मेरे पास, ठीक है, इसके ऊपर जो है करंट बताएगा कि कितना करंट आगे दे रहा है ये, और इस वक्त जो मैंने वोल्टेज सेट की हुई है 15.9 है, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसी तरह जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है उससे एक वायर जा रही है की में, ठीक है, एक टर्मिनल के साथ, इसी तरह दूसरी जो वायर की से जा रही है वो लैंप के साथ अटैच की हुई है। लैंप की जो दूसरी वायर है वो जा रही है किसके साथ जी, एम मीटर से होते हुए, एम मीटर की दूसरी जो नेगेटिव वायर है वो हमने जस्ट डक्ट रियोस्टेट के एक टर्मिनल के साथ, जिसको हम स्लाइडिंग कंटेक्ट बोलेंगे, स्लाइडिंग टर्मिनल बोलेंगे, इसके साथ अटैच किया हुआ है। इसी तरह जो दूसरा टर्मिनल है उसकी जो वायर है वो डक्ट जा रही है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब ये जो वोल्ट मीटर है ये पैरेलल हमने इस कार बल्ब जो है, इस कार बल्ब के पैरेलल अटैच किया हुआ है, ठीक है, ये पैरेलल लगाया हुआ है हमने ये वोल्ट मीटर। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम करने जा रहे हैं, इस वक्त जो है मैंने की जो है निकाली हुई है, जब की निकाली हुई है तो ना ही वोल्ट मीटर के ऊपर रीडिंग शो हो रही है और ना ही एम मीटर के ऊपर रीडिंग शो हो रही है। तो स्टार्ट में देखें, यहाँ देखें इस नीडल के ऊपर एक चीज़ और स्टूडेंट, या एक ये जो टर्मिनल है हमने नेगेटिव के साथ अटैच किया हुआ है और ये वाला हमने पॉजिटिव के साथ लगाया हुआ है, तो इसके ऊपर दो रीडिंग है, एक नीचे वाली रीडिंग है, एक ऊपर वाली रीडिंग है। अगर आपने एक टर्मिनल नेगेटिव के साथ, दूसरा टर्मिनल आपने पॉजिटिव के साथ इसके साथ अटैच किया 15K वाले के साथ, एक 3 वोल्ट वाला, एक 15 वाले के साथ करेंगे तो ऊपर वाली रीडिंग हम नोट करेंगे, जब 3 वाले के साथ करेंगे तो नीचे वाली रीडिंग हम देखेंगे। तो इस वक्त जो है मैंने 15 वाले के साथ अटैच की हुई है एक वायर, तो हमने ऊपर वाली रीडिंग देखनी है। इसी तरह एम मीटर दिखाता हूँ मैं, ये जो एम मीटर का एक टर्मिनल नेगेटिव के साथ लग गया, यहाँ पॉजिटिव वाले दो हैं, एक 0.6 एम्पेयर है, दूसरा है हमारे पास 3 एम्पेयर। अब अगर 0.6 वाले के साथ वायर लगाएंगे तो यहाँ 0.6 वाली नीचे वाली रीडिंग है वो देखेंगे। अच्छा, हमने जो है 3 एम्पेयर वाले के साथ किया हुआ है तो हमने क्या करना है, ऊपर वाली रीडिंग नोट करनी है, वोल्ट मीटर में भी ऊपर वाली रीडिंग और एम मीटर में भी ऊपर वाली रीडिंग। तो इसी तरह जो है ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट की मदद से हम करंट को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। स्टार्ट में मैंने ये मिनिमम रखा हुआ है, 0 पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने रखा इसे, अब मैं की लगाऊंगा, स्टूडेंट, अब मैं की लगाऊंगा, लेकिन की से पहले हमने जो है एक रीडिंग नोट करनी है। यहाँ वोल्ट मीटर के ऊपर 0 के ऊपर है ये नीडल, इसी तरह एम मीटर के ऊपर जो है ये भी 0 के ऊपर है, तो लिहाजा हमने इन दोनों की रीडिंग नोट कर देनी है, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में अकॉर्डिंग टू नोटबुक। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल नोटबुक जो है हम रीडिंग नोट करेंगे इसकी, यहाँ पे देखें 0 करेक्शन फॉर वोल्ट मीटर जो है हमें 0 रीडिंग आई हुई है, इसी तरह 0 करेक्शन फॉर एम मीटर वो भी 0 के ऊपर दोनों नीडल हैं। ये हमने पहली रीडिंग, पहली ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में ये हमने कर लिया।
अब इसी तरह यहाँ पे देखें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमने 6 रीडिंग लेनी है और एम मीटर रीडिंग हमने नोट करनी है वो यहाँ लिख लेनी है। फिर इसी तरह वोल्ट मीटर रीडिंग हमने नोट करनी है यहाँ लिख लेनी है। फिर रेशियो निकालनी है, वी डिवाइडेड बाई आई की रेशियो निकलेगी जो यहाँ पर हमने लिखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं की लगाऊँगा, की लगा के मैं पहली रीडिंग नोट करूँगा। देखें यहाँ मैंने जो है वो बैटरी सेट की हुई है, बैटरी के ऊपर मैंने 15.9 जो रखी हुई है 15.9 का फिक्स है, तो यहाँ मैं की लगा रहा हूँ। की लगाऊंगा जैसे ही वोल्ट मीटर और एम मीटर के ऊपर रीडिंग शो होगी थोड़ी सी, ठीक है। ये मैंने लगा ली की, अभी बल्ब ऑन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये जो है करंट जो है पास हो रहा है इसमें, इस ये कॉइल जो नज़र आ रही है रियोस्टेट की, ये नंबर ऑफ टर्न जो नज़र आ रही है इनमें से करंट पास हो रहा है और पास होके इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से होता हुआ ये जा रहा है। तो जब इसमें से करंट पास होगा ये बहुत ज़्यादा हमने रेजिस्टेंस इसको प्रोवाइड की हुई है तो इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हुआ। अब इसका अंदाज़ा हम एम मीटर के ऊपर लगा सकते हैं जो करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो जो हमारी ये नीडल जो आई हुई है ये फर्स्ट और सेकंड के बिटवीन में है, ठीक है। हम नोट करेंगे लीस्ट काउंट के मुताबिक सारी चीज़ें देखेंगे, जबकि वोल्ट मीटर के ऊपर है जो है इस वक्त जो नीडल है वो करेक्ट ज़ीरो वाली के ऊपर है। तो ये पहली रीडिंग हम नोट करेंगे इसकी, देखेंगे। अब एक चीज़ और, वोल्ट मीटर के ऊपर लीस्ट काउंट कितना है और एम मीटर के ऊपर कितना है, मीन वन डिवीन की वैल्यू क्या होगी। वन लाइन जो है ये नज़र जो आ रही है वन लाइन, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये ज़ीरो से फाइव जो है दो, ज़ीरो से फाइव डिफरेंस है। अब बीच में जो डिवीन आ रही हैं वो कितनी हैं, 10 डिवीन। तो हम ऐसे करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो फर्स्ट डिवीन की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो साइड पे कर लेते हैं हम यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 10। ज़ीरो पॉइंट फाइव वोल्ट। एक जो हमारे पास डिवीजन होगी उसकी वैल्यू है 0.5, उसकी वैल्यू है 0.5। इसी तरह आते हैं अब हम एम मीटर के ऊपर। एम मीटर के ऊपर जो है देखें 0 और 1 के बिटवीन डिफरेंस है, 0 और 1 के बिटवीन है। अब यहाँ पे देखें जो है 1 डिवाइडेड बाई हम 10 करेंगे तो 1 डिवाइड बाई जब 10 करेंगे तो एक डिवीजन की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 1 डिवाइडेड बाई 10 स्टूडेंट 1 डिवाइड बाई जब 10 किया तो 0.1 आया हमारे पास। तो यहाँ पे जो है एक डिवीजन की वैल्यू है 0.1। अब यहाँ पे जो फर्स्ट रीडिंग हम जो नोट करने जा रहे हैं वो फर्स्ट और सेकंड के बिटवीन में है, फर्स्ट और सेकंड के बिटवीन में है तो ये आ रही है 0.15 आ रही है। तो इसको हम नोट करते हैं वोल्ट मीटर के ऊपर 0 और एम मीटर के ऊपर जो है हमारी रीडिंग आ रही है 0.15। या स्टूडेंट फर्स्ट रीडिंग के लिए हम ये जो रियोस्टेट है इसको मैंने इधर रखा हुआ है, मैक्सिमम जो है हमने रेजिस्टेंस प्रोवाइड की हुई है। तो इस वक्त वोल्ट मीटर के ऊपर जो नीडल आई हुई है वो है 0 के ऊपर, इसी तरह एम मीटर के ऊपर जो है वो हमारे पास है 1 और 2 के बिटवीन में है तो 0.15 यहाँ पे आएगी और इसकी आ रही है 0। वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो है 0 आई है और इसी तरह एम मीटर के ऊपर जो रीडिंग आई है वो हमारे पास 1 और 2 के बिटवीन में है, डिवीजन आ रही है तो ये होगा 0.15। अब रेशियो वी डिवाइडेड बाई आई करेंगे, 0 डिवाइडेड बाई 0.15 तो ये 0 आएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह दूसरी रीडिंग के लिए हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा रियो स्टेट को स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। ये यहाँ पे देखें स्टूडेंट मैंने जो है वोल्ट मीटर के ऊपर एक डिवीन आई है,
और इसी तरह एम मीटर के ऊपर जो है 1 2 3 4 4 डिवीन आई हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं वोल्ट मीटर के ऊपर जो है एक डिवीन है, वोल्ट मीटर की जो डिवीन आ रही है वो 0.05 आएगी एक डिवीन की वैल्यू। इसी तरह एम मीटर के ऊपर जो रीडिंग आ रही है वो एक डिवीन की वैल्यू अगर 0.1 है तो 4 की कितनी होगी, तो 0.1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे। अच्छा 0.1 मल्टीप्लाई 4 करके हमारे पास आंसर जो आया 0.4। अच्छा इसी तरह V डिवाइडेड बाई I करेंगे, V है हमारे पास 0.5 और I है हमारे पास 0.4, तो इसका आंसर जो आएगा इसका जो आ रहा है 1.25 आ रहा है। ये तो दो रीडिंग होगी। इसी तरह थर्ड रीडिंग के लिए ऐसे करेंगे, थोड़ा सा रियोस्टेट को थोड़ा सा मैं और आगे करूँगा। ये जो है स्टूडेंट इस पर मैं रीडिंग नोट करूँगा। अब यहाँ देखें वोल्ट मीटर के ऊपर जो है वो 2 डिवीजन आई है, और इसी तरह एम मीटर के ऊपर जो है 1 2 3 4 4 और 5 के बिटवीन आई हुई है। तो वोल्ट मीटर वाली रीडिंग नोट करेंगे, वोल्ट मीटर वाली रीडिंग हमारे पास आई है 2 डिवीजन आगे गई है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 1 आ रहा है। इसी तरह जो है एम मीटर के ऊपर स्टूडेंट यहाँ देखें 4 और 5 के बिटवीन है, तो ऐसे करेंगे 0.1 मल्टीप्लाई 4.5 करेंगे, 0.1 मल्टीप्लाई 4.5 करेंगे, 0.45 आ रही है। तो इसी तरह V है हमारे पास 1 और I है हमारे पास 0.45, इसकी रेशियो निकलेगी क्या आएगी वो 2.22 आ रही है। ये तो 3 रीडिंग होगी। इसी तरह चौथी रीडिंग के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा रियोस्टेट को और मैं आगे करूँगा। यहाँ पे स्टूडेंट अब यहाँ पे वोल्ट मीटर के ऊपर जो है 3 डिवीजन आई हैं, और इसी तरह एम मीटर के ऊपर जो है 5 डिवीजन आई हैं, तो 3 डिवीजन आई हैं वोल्ट मीटर के ऊपर। वोल्ट मीटर वाली रीडिंग देखते हैं, इसकी एक डिवीजन की वैल्यू है 0.5 और हम 3 डिवीजन है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 1.5 आ रही है। और इसी तरह जो है एम मीटर के ऊपर जो है 5 डिवीजन है, तो ऐसे करेंगे 0.1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 0.5 आ रही है वैल्यू। इसी तरह V डिवाइडेड बाई I करेंगे, V है हमारे पास 1.5 और I है हमारे पास जी 0.5 या आ रही है 3 रेशियो। तो ये तो 4 रीडिंग होगी। अब पांचवी रीडिंग के लिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा और हम इसको आगे करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आगे किया हमने, वोल्ट मीटर के ऊपर जो है वो 4 डिवीन आई हैं, और इसी तरह एम मीटर के ऊपर जो 5 और 6 डिवीन की बिटवीन में आ रही है नीडल, तो वोल्ट मीटर वाली जो रीडिंग है वो कितनी डिवीन है, वो है 4 डिवीन। तो लिख लेते हैं हम वोल्ट मीटर वाली 0.5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे या आ रही है 2। और इसी तरह एम मीटर के ऊपर जो है 5 और 6 की बिटवीन है, तो हम ऐसे करेंगे 0.1 मल्टीप्लाई 5.5, 5 और 6 की बिटवीन जो है 0.5 आ रही है ना, तो हम 5 डिवाइड बाई 5 इसलिए रखा 0.1 मल्टीप्लाई 5.5, 0.55 आ रही है। तो रेशियो इसकी क्या होगी, 2 डिवाइडेड बाई 0.55 करेंगे 3.63 आ रही है। स्टूडेंट अब 5 रीडिंग हुई है, अब एक 2 रीडिंग और कर लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ भी सेट हो जाए। अब यहाँ पे देखें अगर नज़र आ रहा है तो बल्ब ग्लो करना शुरू हुआ, क्योंकि इसको मैक्सिमम जो है अब करंट मिल रहा है इसे। तो अब इस रीडिंग को भी हम नोट करते हैं, यहाँ पे कितनी डिवीन आई हैं। हाँ वोल्ट मीटर के ऊपर जो है 6 7 डिवीन आई हैं,
और इसी तरह एम मीटर के ऊपर जो है वहाँ पे भी 7 डिवीजन है। तो वोल्ट मीटर वाली रीडिंग हम नोट करेंगे, वोल्ट मीटर वाली रीडिंग है 7 डिवीजन है, अगर 7 डिवीजन है तो 0.5 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे 3.5। और इसी तरह एम मीटर के ऊपर जो हमारे पास वो भी 7 डिवीजन है तो 0.1 मल्टीप्लाई 7 करेंगे 0.7। इसी तरह वी डिवाइड बाई आई, वी है हमारे पास 3.5 और आई है हमारे पास 0.7, 5 आ रही। एक रीडिंग और करते हैं रियो स्टेट को, स्लाइडिंग कंटेक्ट को थोड़ा सा मैं और आगे करूँगा, तो यहाँ पे लेके आऊँगा मैं इसे, ये बल्ब थोड़ा सा और ज़्यादा ग्लो करना शुरू हो गया, ये लैम्प कार बल्ब जो है, यहाँ पे जो डिवीजन आई है वो 8 डिवीजन है। तो ऐसे करते हैं वोल्ट मीटर की वाली जो रीडिंग है वो है 0.5 मल्टीप्लाई 8 करेंगे 4 आ रही है। इसी तरह जो है एम मीटर के ऊपर भी हमारे पास कितनी हैं जी 7.5, तो ऐसे करेंगे 0.1 मल्टीप्लाई 7.5 करेंगे 0.75 आ रही है। तो 4 डिवाइडेड बाई 0.75 करेंगे 5.33। एक रीडिंग और कर लेते हैं, नेक्स्ट रीडिंग यहाँ पे, इधर देखें स्टूडेंट, ये जो है वोल्ट मीटर वाली जो रीडिंग आई है, अब यहाँ पे फिक्स 5 पे आई हुई है 5, तो इसको मैं डायरेक्ट नोट कर लेता हूँ 5 है। वोल्ट मीटर वाली जो रीडिंग आई है वो डायरेक्ट 5 आई हुई है। इसी तरह एम मीटर के ऊपर जो रीडिंग देखेंगे हम वो 8 डिवीजन है, तो ऐसे करते हैं 0.1 मल्टीप्लाई 8 करेंगे 0.8। और इसी तरह 5 डिवाइडेड बाई 0.8 करेंगे तो आंसर हमारा जो है 6.25 आ रहा है। तो ये जो है हमने कितनी रीडिंग नोट की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रीडिंग की है। तो स्टूडेंट इस 8 रीडिंग का अब हम ग्राफ बनाएंगे। स्टूडेंट अब जो हम ग्राफ इसका ड्रा करेंगे, जो हमारे पास रीडिंग आई हुई है वोल्ट मीटर के ऊपर जो रीडिंग आई है, इसी तरह एम मीटर के ऊपर जो रीडिंग आई हुई है, हम अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ जो होगा यहाँ देख सकते हैं आप, ग्राफ जो है वो वी और आई के बिटवीन है। वी जो है हमने लिया हुआ एलॉन्ग एक्स एक्सिस और आई जो है वो एलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो इसी के मुताबिक हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये है मेरे पास ग्राफ पेपर, यह स्टूडेंट ग्राफ पेपर। तो पहले जो है हम इसका ऐसे करते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। दो लाइन ड्रा करेंगे, एक एक्स एक्सिस की लांग और एक वाई एक्सिस की लांग हमने लाइन ड्रा करनी है। स्टूडेंट एक्स एक्सिस की लॉन्ग जो है हमारे पास वी आएगा और इसी तरह वाई एक्सिस की लॉन्ग जो हमने लाइन ड्रा करनी है वो किसकी होगी, वो जो वाई एक्सिस की लॉन्ग हमने लेना है वो आई होगा करंट। तो यहाँ पे दो वैल्यू हमारे पास, एक है आई वाली और एक वी वाली है। तो यहाँ देखें 0 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट रीडिंग जो हमारे पास 5 आ रही है। अगर मैं ऐसे करूँ कि एक जो बिग बक्स जो है, ये बिग बक्स जो है पूरा एक 100 बक्स इसमें छोटे छोटे होते हैं, अगर इस पूरे बक्स को मैं 1 का रखूं, फिर इसी तरह ये 2 है, ये 3, 4 और 5, हमारी जो वैल्यू है वो इसी में लाइक कर रही है। तो इसी तरह जो है आई की वैल्यू जो है, जो जिसको हमने वाई एक्सिस के लांग लिया हुआ, अगर इसको मैं जो है 0.15 से स्टार्ट हो रही है और 0.8 तक एंड हो रही है,
तो अगर मैं डिफरेंस रखूँ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और लास्ट पे 1 हमारे पास आ गया। तो इस तरह मैंने इसको नंबरिंग डिफरेंस रखा हुआ बक्स के लांग। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो है ये पूरा एक बिग बक्स मैंने जो लिखा हुआ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 बिग बक्स। एलॉन्ग एक्स एक्सिस जो लिया हमने पूरे एक 1 का रखा हुआ है, और 1 स्मॉल बक्स किसके इक्वल होगा, स्मॉल बक्स किसके इक्वल होगा, तो हम ऐसे करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास 1 स्मॉल बक्स की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट ये आ रहा है 0.1 के इक्वल, तो 0.11 स्मॉल बक्स आ गए। इसी तरह वाई एक्सिस के लांग यहाँ देख लें, हमने जो है 1 बिग बक्स जो है वो किसके इक्वल रखा हुआ है, वह है 0.2। और इसी तरह 1 स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल होगा, जीरो पॉइंट टू डिवाइडेड बाई 10 करेंगे यार 0.02। 1 स्मॉल बॉक्स की वैल्यू जो आएगी वो 0.02 आएगी। तो अब हम अकॉर्डिंग टू जो है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन जो हमने रीडिंग निकाली हुई है उसी के मुताबिक हम ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ देखें स्टूडेंट, वी की जो वैल्यू है वो 0 है, जबकि करंट की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.15 है। तो इसको देखते हैं कि 0 तो हमें पता चल रहा है कि वी की जो वैल्यू 0 की वैल्यू है वो यहाँ लाई कर रही है। अब जो है करंट की जो है हमारे पास वैल्यू आई है वो 0.15 आई है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी डिवीजन कितने बक्स हमने ऊपर जाना है, तो इसके लिए ऐसे करते हैं जो हमारे पास वैल्यू होगी, सपोज़ हमारे पास है ये 0.15 है, तो इसको ऐसे करेंगे 0.15 को हम इसके 1 स्मॉल बक्स से डिवाइड कर देंगे, इसका जो स्मॉल बक्स है आई का लॉन्ग वाई एक्सिस जो है, तो डिवाइडेड बाई 0.02 करेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस के लांग जो हमारे पास 1 स्मॉल बॉक्स की वैल्यू है वो 0.02 आ रही है, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ रही है 7.5। मीन हमने 7.5 बक्स ऊपर जाना है, तो वहाँ पे इस पॉइंट को नोट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बक्स पूरे हो गए, और 7 और 8वें का हमने हाफ लेना है। तो यहाँ ये लाई कर रहे हैं ये 0 तो यहाँ, और जो करंट की वैल्यू है वो यहाँ पे लाई करेगी। इधर हम इसको नोट कर लेंगे, पहला पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। इसी तरह दूसरी रीडिंग के लिए नेक्स्ट रीडिंग जो हमारे पास होगी, नेक्स्ट रीडिंग है वी जो है हमारे पास 0.05 है, और 0.5 किधर आ रहा है, 1 का हाफ ज़ाहिर है 0.5 होता है, तो 1 का हाफ इधर आ रहा है, ये यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया। इसी तरह जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 0.4। अब 0.4 ये पॉइंट है ये, अब ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट, मैं ऐसे करता हूँ इधर से एक लाइन ड्रा करता हूँ, ये एक लाइन ड्रा की। अब ज़ाहिर है हमें हमारे पास करंट की वैल्यू भी है, करंट की वैल्यू है 0.4, तो इधर से भी इसी पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रा करूँगा ये, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ मीट किए, कहाँ इंटरसेक्ट किए इन्होंने, इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ हमने पॉइंट लगा लिया। तो इधर जो है करंट की वैल्यू हमारे पास 0.4 है, और वी की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ। इसी तरह थर्ड रीडिंग के लिए, जो थर्ड रीडिंग मेरे पास आई हुई है वो वोल्ट मीटर के ऊपर जो है 1 आई हुई है, और 1 तो यहाँ पे लाई कर रहा है ये, जबकि इसी तरह देखें दूसरी तरफ जो है वो करंट की जो वैल्यू आई हुई है 0.45 आई है।
अब स्टूडेंट यहाँ पे जो है हम देखेंगे 0.45 तो आई है, तो कितने बक्स हमने ऊपर जाना है, 0.45 डिवाइडेड बाई हम इसका वो जो स्मॉल बक्स है उस पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ रही है जी 22.5 बक्स हमने ऊपर जाना है। तो देखें यहाँ पे ये 10 और 10 20 हो गए, अब 21 22 और 22 का हाफ मीन 23 का जो हाफ होगा उसमें हमने उस पे हमने ये पॉइंट लगा दिया, ये यहाँ लाई कर रहा है। 1 की वैल्यू ये है और जो करंट की जो वैल्यू आई हुई है हमारे पास 0.45 वो यहाँ पे लाई कर रही है। अब इन दो पॉइंट को हम मिलाएंगे, इसी तरह करंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ रही है, ये मिला दिया हमने। तो देखें ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट, ये करंट की वैल्यू आई है, करंट की वैल्यू 0.45 और इसी तरह वी की जो वैल्यू आई हुई है वो हमारे पास 1 इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट रीडिंग नोट करते हैं, नेक्स्ट रीडिंग में 1.5, 1.5 ज़ाहिर है 1 का और 2 का दरम्यान में जो हाफ आएगा ये, और इसी तरह जो करंट की जो वैल्यू आ रही है वो 0.5। अब 0.5 ज़ाहिर है 0.6 और 0.4 के दरम्यान में आएगी ये सेंटर में, तो यहाँ हम ऐसे करते हैं इन दो पॉइंट को मिला लेते हैं, ये पॉइंट इधर आ रहा है तो ये कहाँ पे मीट किया इन्होंने, इस पॉइंट के ऊपर, या हमने डॉट लगा दिया। इसी तरह स्टूडेंट ये जो पॉइंट है इनकी वैल्यू क्या आई है, अब करंट की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है 0.05 आई हुई है, और इसी तरह वी की जो वैल्यू है वो 1.5 है, यहाँ पे हमने पॉइंट लिख लिया। इसी तरह नेक्स्ट रीडिंग के लिए, नेक्स्ट रीडिंग हमारे पास जो है वी हमारे पास 2 है, 2 तो ये लाई कर रहा है, ये 2 पॉइंट ये है, और इसी तरह 0.55। अब 0.55 कितनी डिवीजन हमने ऊपर जाना है, कितने बक्स ऊपर जाना है, तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे 0.55 डिवाइड करेंगे इसका जो 1 स्मॉल बक्स है 0.02 पे, तो ये आ रहा है 27.5 बक्स हम ऊपर जाने हैं। तो देखें स्टूडेंट 10 और 10 20, 20 और 27 गिनेंगे, 21 22 23 24 25 26 27 27 और 27.5 ये पॉइंट है। अब इन दो पॉइंट को हम इंटरसेक्ट करवाएंगे, 2 ये है और इसी तरह ये जो पॉइंट है इसको मिला देंगे, तो ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, इस जगह पे, ठीक है हमने पॉइंट लगा दिया। तो इधर जो करंट की वैल्यू है वो है 0.055 और वी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट है 3.5। अब 3.5 जो है 3 और 4 के बिटवीन में आ रहा है ये, और इसी तरह इस पे जो वैल्यू आ रही है 0.7, 0.7 मीन 0.6 और 8 के हाफ में आएगी ये, तो इन पॉइंट को मिलाते हैं हम, ये कहाँ पे लाइक कर रहे हैं इधर, यहाँ पे देखें थोड़ा दूर ग्राफ इसलिए बना क्योंकि हमने थोड़ा रीडिंग लेते वक्त थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा दिया था, तो तब ये जाके दूर जाके बना। अब इन पॉइंट को मिला लेते हैं, तो ये जो आपकी बुक के ऊपर जो है वो 6 रीडिंग लेके ग्राफ बनाया हुआ है, तो हमने थोड़ी ज़्यादा सी रीडिंग ली हुई है, तो यहीं तक हम इतनी रीडिंग लेते हैं। तो ये वाली जो रीडिंग आई है यहाँ पे करंट की वैल्यू आई है 0.07 और वी की जो वैल्यू आई है जो 3.5 आई हुई है। तो अब स्टूडेंट इन इन पॉइंट को हम मिला लेते हैं,
ये ठीक है, ये जो ग्राफ बना हमारे पास, ये किस किस के बिटवीन बना, वी एंड आई के बिटवीन, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर जो 9 हमने किया था, एक्सपेरिमेंट नंबर 9, टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द करंट पासिंग थ्रू ए टंगस्टन फिलामेंट लैंप एंड पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट, इसका जो ग्राफ हमने जो रीडिंग ली, इसका ग्राफ जो बनाया हमने, तो वो ये है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इसको।